लॉ ऑफ टॉट्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक दूसरे टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, विच इज ट्रेसपास। राइट, अपने अब तक के वीडियोस में हमने रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, एंड आई होप कि जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेसपास के बारे में, लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीजों को फिर से रिकॉल करना होगा। क्या है वो चीजें? हम जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉट्स में बेसिकली हम किसी पर्सन के उस एक्ट के बारे में बात करते हैं, उस ओमिशन के बारे में बात करते हैं जिसके वजह से दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता हो। अगर किसी पर्सन के किसी एक्ट या ओमिशन के वजह से किसी दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसका वो जो रॉन्गफुल एक्ट है वो कहलाएगा टॉर्ट, और जो रॉन्ग डूअर है जिसने वो एक्ट वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है वो कहलाएगा रॉन्ग डूअर या टॉर्ट फीजर, एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम दैट रॉन्गफुल एक्ट हैज बीन कमिटेड उस पर्सन को हम कहेंगे टॉर्ट सीकर या प्लेंटिफ। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये जो पर्सन है, जो टॉर्ट फीजर है, जो रॉन्ग डूअर है, जो टॉर्ट कमिट कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशंस में उसके द्वारा कमिट किए गए टॉर्ट को हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं। और कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो टॉर्ट के हैं वो है ट्रेसपास, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट और कन्वर्जन। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग। तो ये जो सिविल रॉन्ग्स हैं इनके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, जैसे ट्रेसपास, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, कन्वर्जन। अच्छा, ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं टॉर्ट के, इनमें से कुछ सिविल रॉन्ग्स के साथ साथ क्रिमिनल रॉन्ग्स भी हैं, जैसे डिफेमेशन। तो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इन सभी कॉमन टॉर्ट्स को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम केवल और केवल फोकस करेंगे ट्रेसपास के ऊपर। तो ट्रेसपास क्या है? तो ट्रेसपास बेसिकली एग्जांपल ऑफ टॉर्ट है, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टॉर्ट, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसपास? तो ट्रेसपास इज बेसिकली अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑफ वन पर्सन ऑन द लैंड या प्रॉपर्टी और अगेंस्ट द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट हिज और हर विल और कंसेंट। तो जब एक पर्सन अनलॉफुली अनरीजनेबली इंटरफेयर करता है किसी दूसरे पर्सन के लैंड पर या उसके प्रॉपर्टी पर या उसके बॉडी पर उसके विश उसके कंसेंट उसके विल के अगेंस्ट, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन का जो टॉर्शियस एक्ट है उसे कहा जाएगा ट्रेसपास, दैट ही हैज कमिटेड ट्रेसपास अगेंस्ट द बॉडी अगेंस्ट द property of another person. So what is trespass? It is unreasonable, unlawful interference. And this interference may be
डन ऑन द लैंड ऑफ अदर पर्सन और अगेंस्ट द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है? तो ये क्या है? ट्रेसपास है। तो क्या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जब आप किसी पर्सन के किसी पर्टिकुलर एरिया पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करते हो, इंटरफेरेंस करते हो उसके कंसेंट के बिना, या आप कोई अनरीजनेबल इंटरफेरेंस करते हो अगेंस्ट हिज बॉडी, तो वो कहलाता है ट्रेसपास, यानी गोइंग टू समबडीज लैंड और समबडीज प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन इज नोन एज ट्रेसपास। ट्रेसपास के डिफरेंट सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे इंक्रोचमेंट, जैसे इन्वेजन, जैसे इंफ्रिंजमेंट एक्सेट्रा, राइट? तो बेसिकली हम ट्रेसपास को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेसपास टू बॉडी, राइट? अनलॉफुल अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑन टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन अगेंस्ट हिज कंसेंट इज नोन एज ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? और ट्रेसपास टू बॉडी में तीन चीजें आती हैं, असॉल्ट यानी किसी व्यक्ति के बॉडी के ऊपर हमला कर देना या हमला करने की कोशिश करना असॉल्ट कहलाता है, और असॉल्ट बेसिकली क्या है? ट्रेसपास है अगेंस्ट द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। दूसरा बैटरी और तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जब आप किसी पर्सन को उसके कंसेंट के बगैर विदाउट रीजनेबल कॉज उसे इम्प्रिजन करके रख लेते हो, उसे डिटेन करके रख लेते हो किसी भी जगह पर। अब वो जो प्लेस है वो कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है या कोई पर्टिकुलर प्लेस हो सकता है, राइट? तो आपने उसे बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना उसके कंसेंट के डिटेन करके रख लिया है और उसके मूवमेंट को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो वो कहलाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो इन तीनों टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे डिटेल्ड वे में, राइट? तो अब तक के डिस्कशन को अगर हम सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि ट्रेसपास इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ टॉर्ट एंड ट्रेसपास बेसिकली मींस अनलॉफुल और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑफ वन पर्सन ऑन टू द लैंड प्रॉपर्टी और अगेंस्ट द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, राइट? और ट्रेसपास को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, दूसरा ट्रेसपास टू बॉडी। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में दो तरह के ट्रेसपास हो सकते हैं, पहला ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू बॉडी में तीन तरह के ट्रेसपास किए जा सकते हैं, पहला असॉल्ट, दूसरा बैटरी, तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, राइट? नाउ ये जो ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। तो लैंड इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस ट्रेसपास कैन बी कमिटेड अगेंस्ट द लैंड ऑफ अनदर पर्सन, एक पर्सन
जो कि दूसरे पर्शियन के लैंड पर किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करता है, वेदर डायरेक्टली या विथ द हेल्प ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट. तो क्या है, ट्रेसपास टू लैंड. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्शियन जो कि इस पर्टिकुलर लैंड का ओनर नहीं है, बी इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, ए बी के परमिशन के बिना इस लैंड पर इंटरफेरेंस करता है, आ जाता है बिना बी के परमिशन के. यानी ए ने क्या किया, ट्रेसपास किया राइट ऑन बीज लैंड. तो यहां पे इसने क्या किया, डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया, डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस या विद द हेल्प ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्या है कि ए ने अपने घर के गार्बेज को बी के लैंड पर फेंक दिया, तो यहां ट्रेसपास हुआ बट बाय द हेल्प ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट. या बी ने अपने पेट को, ए ने अपने पेट को बी के लैंड पर छोड़ दिया. अब बी ने अपने इस पर्टिकुलर लैंड पर वेजिटेबल्स ग्रो करके रखा था, तो जो एक पेट था उसने उन सभी वेजिटेबल्स को खा लिया. तो बेसिकली जो ट्रेसपास है, इट मे बी डन बाय डायरेक्ट फिजिकल अपीयरेंस, खुद जाकर के, या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से ट्रेसपास हो सकता है. नाउ जब हम ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां बेसिकली हम लैंड को रेफर कर रहे हैं राइट. बट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 को देखें, तो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेसिकली तीन चीजें आती हैं. पहला लैंड, दूसरा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और तीसरा थिंग्स अटैच्ड, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड ऑन द लैंड. तो लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड ऑन द लैंड, ये तीनों चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्कोप में आती है राइट. तो यानी अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 को देखें, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड तो आएगा ही, लैंड के साथ साथ क्या क्या आएगा, सॉइल भी आ सकता है, फिक्स्चर्स. लैंड पर कोई चीज परमानेंटली फिक्स है, जैसे कोई वॉल है, कोई बिल्डिंग है, कोई कैनल है, कोई पोल है, कोई हाउस है, वो चीज आएगा. फिर ये जो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है, तो इसके नीचे भी एक सर्टेन लिमिट तक जो चीजें हैं वो ओनर के ही ओनरशिप में आएंगी और उसी के पोजीशन में रहेंगी. और इस सरफेस के ऊपर की जो चीजें हैं, जिसे आप स्पेस बोलते हो, तो कुछ लिमिट तक मेरे घर के ऊपर, रूफ के ऊपर, अप टू सर्टेन लिमिट इन द एयर स्पेस, उस पर क्या है, मेरा ही कंट्रोल है, वो भी मेरे ही अंडर आएगा. तो वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है. तो ये सभी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब एक पर्सन किसी प्रकार से इंटरफेरेंस करता है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन सभी चीजों के ऊपर, तो उसने ट्रेसपास किया है. जैसे थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, ट्रेसपास बाय एनिमल जिसे हमने समझा, गोइंग डायरेक्टली ऑन टू द लैंड ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट,
विदाउट हिज परमिशन, तो ये क्या है? ट्रेसपास है। अब ये जो ट्रेसपास है ये बेसिकली एक्शनेबल पर से होता है। इट मींस यहां पे जो क्लेमेंट है, जो प्लेंटिफ है, उसे ये प्रूफ नहीं करना होता है कि हाँ ट्रेसपास हुआ है, क्योंकि ट्रेसपास क्या है? एक्शनेबल पर से है। और ट्रेसपास के केस में जो क्लेमेंट है, जो प्लेंटिफ है, उसे प्रूफ नहीं करना होगा कि उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या उसके लैंड पर या उसके बॉडी पर किसी प्रकार से ट्रेसपास हुआ है। नाउ एक टर्म है ट्रेसपास एब इनिशियो, ट्रेसपास एब इनिशियो, व्हाट इज दिस? तो ट्रेसपास एब इनिशियो बेसिकली ट्रेसपास का ही एक फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को परमिशन दे रखा था कि तुम मेरे पर्टिकुलर लैंड पर कुछ समय के लिए रह लो, या तुम मेरे घर आ जाओ कुछ समय तक रह लो, तो वो पर्सन आता है उसके कंसेंट से। फिर कुछ समय के बाद वो पर्सन कहता है कि अब तुम यहां से चले जाओ, लेकिन अब वो पर्सन जा नहीं रहा है, तो इसे ट्रेसपास एब इनिशियो माना जाएगा, इसे ट्रेसपास माना जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, ऑलराइट। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ट्रेसपास टू द लैंड? तो इसमें कहता है अनऑथराइज्ड एंट्री, यानी आपने उस पर्टिकुलर पर्सन के लैंड पर जो एंट्री किया वो ऑथराइज्ड नहीं था, यानी यू वर नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू एंटर ऑन दैट लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ दैट लैंड ओनर। तो आपकी जो एंट्री थी वो अनऑथराइज्ड थी और आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के लैंड पर एंटर करने से पहले उसकी परमिशन लेनी थी, लेकिन आपने नहीं किया, तो यानी आपने ट्रेसपास कमिट किया। दूसरा, लैंड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ, जो लैंड था वो प्लेंटिफ के क्लेमेंट के पोजेशन में था। अब ये जो पोजेशन होगा वो एक्चुअल भी हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, राइट? एक्चुअल पोजेशन, मान लो कि मिस्टर बी वॉज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, तो यानी उस पर्टिकुलर लैंड का जो एक्चुअल पोजेशन था वो बी के पास था, क्योंकि बी वॉज द सोल ओनर ऑफ दैट लैंड और ए ने बी के परमिशन के बगैर उस लैंड पर ट्रेसपास किया है, बी के परमिशन के बगैर उसने इस लैंड पर कदम रखा। या सपोज करो कि सी वॉज द ओनर ऑफ दैट लैंड और बी इस लैंड का देखभाल करता था, तो यानी बी जो था इस लैंड के कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में था, तो जो प्लेंटिफ है उसके पास जो लैंड है उसका पोजीशन एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तीसरा कहता है एंट्री मस्ट बी वॉलंटरीली एंड इंटेंशनल, ए ने जो एंट्री किया इसने वॉलंटरीली किया, यानी इसने अपनी इच्छा से किया और इसका इंटेंशन था। तो दीज आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। पहला अनऑथराइज्ड एंट्री, दूसरा लैंड मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ, तीसरा एंट्री मस्ट बी वॉलंटरीली एंड इंटेंशनल। अब एक केस है हमारे पास ग्रेगरी वर्सेस पाइपर। ग्रेगरी वर्सेस पाइपर के केस में यह कहा गया कि आप किसी दूसरे पर्सन के फील्ड पर, एरिया पर या लैंड पर किसी प्रकार से कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे गार्बेज फेंकते हो उसके परमिशन के बगैर, तो इसे भी ट्रेसपास ही माना जाएगा। एक और केस है हमारे पास अब्दुल गनी वर्सेस ताडू राम एंड अदर्स। इस केस में यह कहा गया कि अगर एक पर्सन डर्टी वाटर या फिल्दी वाटर
जो सड़ा गला पानी होता है, बदबूदार जो पानी होता है, कचरा वाला जो पानी होता है, उसे डिस्चार्ज करता है दूसरे पर्सन के लैंड पर, तो इसे भी ट्रेसपास ही माना जाएगा। केल्सन वर्सेस इंपीरियल टोबैको कंपनी के केस में यह कहा गया कि सरफेस एरिया ऑफ लैंड से लेकर के कुछ हद तक ऊपर तक का जो स्पेस होता है, एयर स्पेस, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आता है, और इस पे जो कंट्रोल होता है वो क्लेमेंट का होता है। अब इस केस में क्या था कि एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड टांगा गया था जो कि थोड़ा ऊंचा था, और वो प्लेंटिफ के लैंड पर आ रहा था, जब हवा चल रहा था तो ये बाइंड हो रहा था, राइट। तो ये कहा गया कि कुछ सर्टेन लिमिट तक इन एयर स्पेस जो पोजीशन होगा, ओनरशिप होगा, वो उसी पर्सन का होगा जिस पर्सन के लैंड पर आपका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बेंड कर रहा है, राइट। तो दीज आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेसपास टू द लैंड। अच्छा, जो लास्ट कैटेगरी हमने पढ़ा, जो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट हमने पढ़ा, वो था एंट्री मस्ट बी वॉलेंट्रीली एंड इंटेंशनल। तो क्लेमेंट अगर ये चाह रहा है कि वो ट्रेसपास का सूट फाइल करे, तो एक बात तो ये है कि उसे प्रूफ नहीं करना है कि ट्रेसपास हुआ है, लेकिन जो ट्रेसपासर है उसका जो एंट्री होगा उस पर्टिकुलर लैंड पर वो वॉलंटरी होना चाहिए, किसी के जोर दबाव या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के वो एंट्री ना करे, और ये पूरी तरह से इंटेंशनल होना चाहिए। इसमें हमारे पास केस है बेसली वर्सेस क्लार्कसन का। इसमें क्या था कि जो डिफेंडेंट था वो अपने लैंड पर, अपने जमीन पर घास काट रहा था, और गलती से वो अपने लैंड के बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, और उसके जमीन से ही सटे दूसरे पर्सन का जो जमीन था उसमें वो एंटर कर जाता है और घास काटने लगता है, ये विश्वास करते हुए कि वो जो लैंड है वो उसी का है और वो अभी भी उसी अपने ही लैंड में है। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज मिस्टेकन रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्री, बट मूविंग ऑफ लैंड वॉज इंटेंशनल। तो ये कहा गया इस केस में कि हाँ, हो सकता है उसका जो एंट्री था वो गलती से हो गया, लेकिन जो उसने ढेर सारी घासें काटी वो कहीं ना कहीं इंटेंशनल था, और इस तरह से क्लेमेंट को, प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन दिया गया। तो जो एंट्री है वो वॉलंटरी होना चाहिए और इंटेंशनल होना चाहिए, राइट।